अगर मैं कहूं कि ये 2080 है तो क्या आप भरोसा कीजिएगा? इस लेसन में हम लोग ये जानेंगे जरूर। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस 12 क्लास के हिंदी के काव्य खंड में। बहुत ही शानदार लेसन है और ये कहानी आपको सुनने के बाद बड़ी मजेदार लगेगा। आपको इसमें पत्नी, वाइफ इज लाइफ के बारे में पढ़ना है, यानी कि पत्नी आपकी ज़िंदगी कैसे है, बिना पत्नी के किस तरह जीवन अधूरा हो जाता है, इसके बारे में बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। क्योंकि ये भी पत्नी के प्रॉब्लम से एक तरह से हम बात करें तो जयशंकर जी की तीन पत्नियाँ थी और तीनों इस दुनिया में नहीं रही, और इससे उनके ऊपर क्या बीता उसी को एक यहाँ पे एक तरह से समझो तो कहानी एक कविता के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है कि जयशंकर जी के साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ पे आपको बताना है, आपसे हम पूछ रहे हैं कमेंट में, आप बताइएगा वाइफ किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिरकार वाइफ इज लाइफ सही में है या फिर क्या है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। इससे पहले कि हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं, ये एक छायावादी कवि है। जयशंकर, शंकर से भगवान शंकर का बात आता है ना, और शंकर को शंभु भी कहते हैं। तो जयशंकर दो भाई थे, शंकर और शंभु, याद रखना है, याद रखना, ट्रिक से आपको सब बता देंगे। जयशंकर दो भाई थे, शंकर और शंभु, इनके भाई का नाम क्या था, शंभु था, शंभु रतन था। तो शंकर और शंभु दो भाई, ये तो आपको याद हो गया होगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि जयशंकर के बड़े भाई का क्या नाम था तो शंभु आप बोल दीजिएगा। वैसे शंकर का ये दोनों नाम शंकर और शंभु दोनों होता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद भले ही भगवान शंकर का नाम है लेकिन इनका जिंदगी कष्टों से भरा है। ये जितना भी यहाँ आपको बहुत सारा दिख रहा होगा, ये जितना भी लिखे हैं इसमें सब दुख दर्द वाली ही कहानी है। और एक शादी भी की, एक शादी नहीं, तीन शादी किए हैं, एक शादी नहीं किए हैं, ठीक है। और तीनों की तीनों पत्नियाँ इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए इन्होंने बताया कि वाइफ आपके ज़िंदगी में किस तरह महत्व रखती है। वाइफ ही नहीं, नारी आपके ज़िंदगी में किस तरह महत्व रखती हैं, हर स्टेप पर कैसे सहयोग करती हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि पत्नी अच्छी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन मतलब इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाए, और पत्नी बुरी मिल जाए, ठीक है, पैर दबाने वाली नहीं दबवाने वाली मिल जाए, खाना बनाने वाली नहीं बनवाने वाली मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जीते जी नर्क हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा मानना नहीं है, अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। यहां देखिए, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, यहीं पे जानेंगे कि ये 2080 हम कैसे बोल रहे हैं, समझिएगा। इनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889। ये पूरा के पूरा लगभग 48 साल जीवित रहे, कितना साल जीवित रहे, 48 साल में इनको इतना दुख दर्द हुआ, अपने 48 साल के लाइफ में इनके माँ बाप नहीं रहे, इनके भाई नहीं रहे, इनकी बीवी नहीं रही, बहुत कष्टमय जिंदगी इनका रहा है, यहाँ समझिएगा। 48 साल की उम्र का मतलब 1889 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1937 में हो गया। लेकिन मामला फंस क्या रहा है, 1889 में जन्म हुआ और 1946 में भी जन्म हुआ। अब आपको लग रहा है ना अंतर कि सर एक ही डेट में दो बार जन्म कैसे हो सकता है, सुनिए ये कैलेंडर का अंतर है। कैलेंडर हम लोग जो अभी यूज करते हैं, कैलेंडर जो हम लोग देखते हैं ना, ये 2023-21 कैलेंडर के हिसाब से, बहुत पहले कैलेंडर शुरू हुआ था जो 0 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1-2 करते करते ना 23 हुआ है, तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन। और ये जो बोला जा रहा है यहां सम्मत 1946, एक विक्रम सम्मत कैलेंडर है, एक विक्रम सम्मत कैलेंडर है जो कि 57 साल आगे चलता है। 57 साल क्या चलता है, आगे। तो यहां देखिए 1889 से 57 साल आगे जोड़िएगा ना तो 1946, ये देखिए ये वाला जो डेट है ये हम लोगों के हिसाब से है, लेकिन विक्रम कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम सम्मत कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम सम्मत एक कैलेंडर एक राजा ने बनाया था, ठीक है, और बोला था कि ये, मतलब बोला क्या था, 57 साल आगे देखा गया कि अरे यार अभी का कैलेंडर और राजा का बनाया हुआ कैलेंडर 57 साल आगे है। वो विक्रम आदित्य राजा था जिन्होंने विक्रम सम्मत कैलेंडर बनाया था, वो 57 साल आगे है। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1889 में और 57 साल जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1946 आ जाएगा। उसी हिसाब से ये 2023 है और इसमें 57 साल जोड़िएगा ना, विक्रम सम्मत कैलेंडर के हिसाब से क्या हो जाएगा, आज 2080 चल रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, इसीलिए हम बोले थे, यहाँ समझिए। अब आप कमेंट में बताइए कि इनकी मृत्यु पुराने कैलेंडर के हिसाब से जो हम लोग यूज करते हैं 1937 में हुआ है, तो बताइए कि विक्रम संवत के अनुसार 57 साल बाद इनकी मृत्यु कब हुआ होगा, आप जरूर
आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखिए, ये शिक्षक ये कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और पितामह यानी पिता के पिता दादाजी का नाम सुंगनी साहू। अब इनका नाम सुंगनी साहू इसलिए था क्योंकि ये खैनी बेचते थे, खैनी समझते हो ना, सुरती बोला जाता है, खैनी बेचते, इसीलिए सुंगनी सुरती बेचते थे, खैनी को सुरती भी बोला जाता है, इसीलिए इनके दादा का नाम क्या पड़ गया, सुरती साहू पड़ गया, पिता का नाम देवी प्रसाद। आठवीं तक पढ़े थे, लेकिन आते हैं थोड़ा सा इनकी परिस्थिति के बारे में जानते हैं, बहुत दुख की बात है, ठीक है, कि जब ये 12 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और जब ये 14 साल के यानी 2 साल के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद से इनके बड़े भाई थे शंभु, शंकर के भाई शंभु, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, कुछ इस तरह से कहानी है। और शादी विवाह किए तो पत्नियों की भी मृत्यु हो गई, पता नहीं ये जिंदगी में किस तरह से, मतलब इनके नसीब में क्या लिखा था, ठीक है, कि ये इसीलिए पत्नी की जब मृत्यु हो गई, एक शादी किए वो भी नहीं रही, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, इस तरह से लिखे कि जब पत्नी नहीं रहती है तो जिंदगी में क्या बीतता है, पत्नी हमारे लिए हर स्टेप पर आगे खड़ी हो जाती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब इनका मानना है, ठीक है। यहां देखिए, इनका एक भगिना था, भांजा बोला जाता है, ठीक है, अंबिका प्रसाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंदु का प्रकाशन किया था, ठीक है, इंदु एक किताब है उसका प्रकाशन किसने किया था, आपसे पूछा जाएगा इंदु का प्रकाशन किसने किया, तो देखिए शंकर प्रसाद ने इनको पढ़ाया समझाया और उनके ही जरिए इंदु का प्रकाशन, अंबिका प्रसाद जो कि एक भांजे थे इनके, ठीक है। अब देखिए काव्य रचना, आप इनके जीवन में इतना कला था, इतना दुख था कि बड़ी रो रहे थे ये बेचारे, ठीक है, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत दुख की बात है भी, आप सोच भी सकते हैं, ठीक है, तो मतलब आंखों से झरझर आंसू बह रहा था। अब ये जो हम आपको एक्टिंग करके बता रहे हैं ना, ये ट्रिक है, आंखों से झरझर आंसू बह रहा था और पूरा का पूरा लहर रहा था सीना में दर्द, लहरना समझते हैं ना, माने दुख रहा था, दर्द हो रहा था, तो हम क्या बोले, आंखों से आंसू बह रहा था और दर्द लहर रहा था। तो इनकी काव्य संकलना, भगवान शंकर मान लो, जयशंकर का काव्य संकलना तीन है, कौन कौन, झरना, आंसू और लहर, याद हो गया आपको, यानी कि इतना तकलीफ था कि आंसू झर झर बह रहा था और सीने में दर्द लहर रहा था, ठीक है। तो ये तीन अपडेट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अनुकांत रचनाएं कुछ है, महाराणा का महत्व, करुणा और प्रेम कथित, ये इसके बारे में कुछ खास एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये मस्ट वीवीआई है, ये जो पत्नी के बारे में लिखा है कि वाइफ किसे कहते हैं, हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से बताइएगा बाबू कि वाइफ क्या है, व्हाट इज वाइफ, वाइफ इज लाइफ कि क्या होता है, आप खुद बताइएगा। यहाँ देखिए प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कविता है जिसका नाम है, यहाँ देखिएगा तुनुक कोलाहल कलह में, ये जो आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है, छंद समझ जाइए, जो भी दिया गया ये किस प्रकार की कृतियाँ है, तो याद रखिएगा प्रबंध काव्य है, ये किस प्रकार की कृतियाँ है, प्रबंध काव्य है, जो किस किताब से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है, किससे लिया गया है, कामायनी, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अवदान, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो थे इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब एक हिट होता है जिसका नाम था कामायनी, याद रखिएगा कामायनी 1936 में लिखा था, ये तो जरूर याद कीजिएगा। और ये जो लिया गया है ना पूरा तुनु कोलाहल, ये इसी से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है, ठीक है। इनका कुछ नाटक था और नाटक में बताइए इनके जिंदगी में कितना दुख था, तो इनका कल्याणी, याद रखिएगा इनका नाटक का नाम कल्याणी, ये एग्जाम में पूछेगा, महान महान राजा के बारे में पूछेगा, स्कंद गुप्त के बारे में पूछेगा, चंद्रगुप्त के बारे में पूछेगा। स्कंद गुप्त आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही मतलब प्रतापी राजा थे, ठीक है, और ये हुंड का अंत किए थे, हुंड मतलब समझते हो, आप देखे होंगे बाहुबली मूवी, उसमें देखिएगा एक राक्षस की तरह रहता है, ठीक है, जो कि हड्डी वड्डी सब माला वाला उस टाइप का पहना रहता है, वही हुंड शासक है, जहां पे वो चला जाएगा ना उस राज्य का विनाश कर देता, और उसका विनाश स्कंदगुप्त किए थे, चंद्रगुप्त, ये सब कहानी है, बड़ी मज़ेदार है। एक और इसमें पूछा जाएगा आपको बहुत शानदार, यहाँ देखिए जनमंजय कहानी बहुत ही मस्त है, ये वही जनमंजय, जनमंजय 1926 में लिखा गया था, ये दोनों याद रखिए 1926 में स्कंदगुप्त और जनमंजय, जनमंजय वही कहानी है जो आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए 5 मिनट समय दे करके। इसी कहानी में जनमंजय के पिता को नाग काट लेता, यानी सांप काट लेता है, और उस वक्त जनमंजय गुस्सा होकर के और एक ऐसा यज्ञ कराते हैं जिसमें सभी सांप ऑटोमेटिक आ करके और जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये वही जनमंजय है। तो यहाँ देखिएगा जनमंजय द्वारा एक कहानी लिखा गया था नागों के बारे में, ठीक है, कब, 1926 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कथा संग्रह, कथा संग्रह में छाया लिखे हैं प्रध्वनि, ये सब कुछ पूछने वाली नहीं है, उपन्यास पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कंकाल, इनकी जिंदगी वैसे भी कंकाल थी, अकाल पड़िए गया था, भुखमरी आ ही गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। जयशंकर का एक उपन्यास का नाम कंकाल है,
तितली पत्नी से, तीन गो तितली से शादी किए थे, तीन गो पत्नी से, ठीक है। इरावती, ये सब आप याद रखेंगे, कंकाल, तितली, ये सब क्या है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। अब देखिए ये किस भाषा में लिखते थे, तो ये व्रज भाषा में लिखते थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक जगह है, मतलब मथुरा में व्रजभाषी लोग ज़्यादा है, स्थानीय भाषा है, जैसे बिहार का भोजपुरी है ना, आपको पिछले लेसन में ही बताए थे। और यहाँ देखिए व्रज भाषा में पहले कविता शुरू किया है, लेकिन बाद में ये खड़ी बोली लिखने लगे, कौन, जिस तरह से हम लोग नॉर्मली क्या, बहुत टफ है ये, नॉर्मली नहीं है, ठीक है। यह काव्य जो भी लिखा गया है, बताइए किससे लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए कामयानी महाकाव्य है, एक महाकाव्य है जो कि कामयानी से लिया गया है। ये पाठ किससे लिया गया है, कामयानी से लिया गया है। और इसमें जानते हो किसके बारे में जिक्र है, पत्नी के बारे में, कि पत्नी जब रहेगी तो कितना सुख सुविधा देती है, पत्नी हर आए हुए वार को रोक सकती है, ठीक है, हर तरह से बचाने की कोशिश करती है। जिस वक्त हम पूरा टेंशन में होते हैं, जिस वक्त मतलब जितना खूब ज़्यादा प्रेशर आता है, उस वक्त कोई स्त्री ही आ करके, मतलब जैसे हमारी मम्मी हो सकती है, हमारी दीदी हो सकती है, कोई भी हो सकता है कि नहीं बाबू, ठीक है। और जिसकी शादी हो गई उसकी पत्नी हर दुख दर्द को बांटती है, इसीलिए तो पत्नी को अर्धांगनी बोला गया, यानी आधा अंग की मालकिन बोला गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पत्नी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। वो नायिका एक है श्रद्धा, और श्रद्धा जो है ये पूरा का पूरा श्रद्धा द्वारा बोला गया एक काव्य है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि नारी मात्र का परिचय, कि आखिरकार नारी का क्या महत्व है आपके जिंदगी में, नारी कोई भी हो सकता है, तो नारी के महत्व के बारे में यहाँ पे जानना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा जयशंकर का जन्म कब हुआ था, और ऑप्शन में अगर 1889 नहीं हो, ये हो, तो आपको बता देना है कि इससे ठीक 57 साल यानी 57 ईयर्स याद रखिएगा बाद के साल को बोला जाता है विक्रम संवत काल। ये पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाएगा कि झरना किसका काव्य संकलन है, तो झरना इन्हीं को दुख था तो आंखों से आंसू झर झर बह रहा था और दिल में इतना कलह था, तो कलह, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अब ये जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य खंड है, ये बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। इसमें एक नाम मिला है श्रद्धा, श्रद्धा एक नायिका है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए श्रद्धा कोई लड़की नहीं है, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, विश्वास समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत तकलीफ में आपका जिंदगी चल रहा है, तो अंदर एक छोटा सा कहीं ना कहीं कोना में विश्वास जगता है कि अरे जाने दो, कुछ भी होगा, श्रद्धा एक मन में जगता है, कुछ भी होगा अंत में अच्छा ही होता है, ऐसा दिमाग में चलता है ना, तो उसी जो लास्ट में विश्वास आपके अंदर जगता है, उसी विश्वास की बात किया जा रहा है कि भले ही जयशंकर प्रसाद का लाख दुख हो, लेकिन उनके अंदर एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि कभी ना कभी उनके साथ अच्छा होगा, यही वो नायिका श्रद्धा है, ठीक है। अंदर जो मन के अंदर पनपता है, यही श्रद्धा है जो मन के ऊपर काबू पा लेती है, ठीक है। आपका दो तरह का मन होता है, एक कहेगा अच्छा, जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा ना, तो मन करे कि ये जीना है, मतलब ये जिंदगी ही बेकार है, लेकिन अंदर से आता है एक छोटा सा विश्वास जगता है कि अच्छा अब जो हुआ सो हुआ। और ये जो अंदर से एक मन में जगता है ना श्रद्धा, एक विश्वास आता है कि अच्छा इसके बाद बेहतर होगा, तो यही श्रद्धा का बात इसमें किया जा रहा है कि जब जब आप कहीं फंस जाते हैं तो मन में अच्छा भी ख्याल आता है और बुरा ख्याल, तो वही श्रद्धा की बात किया जा रहा है। यहां ध्यान से समझिएगा, श्रद्धा यहां पे क्या करे, यहां पे देखिए तुमुल कोलाहल, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में, कलह माने होता है दुख, और कोलाहल, तुमुल कोलाहल माने हो हल्ला होता है, कोलाहल माने होता है हल्ला गुल्ला, डायरेक्ट समझिए, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारा कलह है, दुख है, दर्द है कि नहीं, लेकिन यहाँ कर मैं हृदय की बात रे मन, यहाँ श्रद्धा मन को पाकर कहती है, श्रद्धा क्या, मन को पाकर कहती है कि इस कोलाहल में, इस हल्ला गुल्ला में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मन की बात की तरह हूँ, मैं तुम्हारे मन की, जो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा होगा, मैं वही विश्वास हूँ, ये वही लेसन में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, ये आपको लाइन समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए अगला लाइन, विकल होकर नित्य चंचल, यानी कि आपका जो चंचल मन है, विकल होकर जब थक जाता है, जब आपका मन चंचल मन, ठीक है, जब आपका चंचल मन थक जाता है, जब आप एक पुरुष क्या करता है, एक पुरुष चारों तरफ से घूम करके थक जाता है, उसका चंचल मन थक जाता है, तो वो नींद लेना चाहता है, थोड़ा सा सोना चाहता है, हर चीज़ से उब जाता है, तो आराम करना चाहता है कि अब जिंदगी में बहुत दौड़ धूप कर लिए, ठीक है, अब आराम करना चाहता है, उसका चेतना थक सा जाता है,
तब उस वक्त समझिएगा यहाँ पे ये वाला पत्नी की बातें हैं। उस वक्त क्या होता है यहाँ पे देखिए मलय की बात रहे, उस वक्त मलय पर्वत जहाँ चंदन ज़्यादा होता है ना जिस पर्वत पे उसे मलय पर्वत कहते हैं, और वहाँ से जो हवा जाता है ना और मन को क्या करता है शांति पहुँच जाता है। तो उस वक्त जो पत्नी होती है मैं मलय की बात है, मैं चंदन के उस खुशबू की तरह आती हूँ, यानी हृदय में आपके मन के अंदर एक विश्वास जगता है, ठीक है, और आपकी बीवी जगाती हैं, यानी कि उस चंदन की खुशबू की तरह होती हैं जिससे जिसको महसूस करने के बाद आदमी क्या होता है थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। रिलैक्स अब आप मत कहिएगा, थोड़ा सा आपका मन शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कब? जब आप थक सा जाते हैं और आप सोना चाहते हैं, उस वक्त कहाँ से मलय पर्वत से चलने वाली जो सुगंधित हवा है आपके मन को आराम पहुंचाती है, ठीक है, आपके मन को क्या करती है आराम। अब ये मलय पर्वत कहाँ है आपका, वो मलय पर्वत हृदय है, और हृदय में कहीं एक कोना में, ठीक है, एक विश्वास जगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, और यही तो श्रद्धा है, यही तो बीवी है एक तरह से, और यही तो पत्नी करती है, ठीक है। यहाँ देखिए चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा की तिमिर वन में, तिमिर माने होता है अंधेरा, अब वन माने जंगल। आप कभी देखेंगे जब जंगल चारों तरफ से रहता है और उसमें जब चारों तरफ से जंगल है तो जाहिर सी बात है अंधेरा रहता है, तो ये आपका उस अंधेरा की बात आपकी जिंदगी से किया गया है, समझिएगा आप ध्यान से। मन अंधकार रूपी दुख में वन में, मन अंधकार रूपी दुख के वन में लंबे समय से दबा हुआ है। आपका जो मन है ना वो अंधकार रूपी एक वन है, एक वन में लंबे समय से दबा हुआ है, और अब जब अंधकार में आपका जीवन पड़ा हुआ है उस वक्त आपकी पत्नी यानी मैं उषासी ज्योति रेखा, और मैं उस वक्त ज्योति एक सूर्य के प्रकाश की तरह काम करती हूँ, और कुसुम विकसित प्रांत रे मन, और उस जंगल में जब आपका अंधकार रूपी वन में आपकी ज़िंदगी बीत रहा होता है, ज़िंदगी मतलब उलझ रहा होता है, उस वक्त एक कुसुम की तरह एक फूल की तरह मैं उस वन में विकसित होकर के और क्या करती हूँ आपके ज़िंदगी का एक नया सुबह बन के आती हूँ, ठीक है। ये मन से कहा जा रहा है, और ये मन है कौन, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जीवन पूरा का पूरा अंधेरा है, अंधेरा का मतलब क्या लाइट बंद कर देना, अंधेरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ से आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं, उस वक्त आपके मन के अंदर एक फूल की तरह निकलता है, खुशबू की तरह देता है, ठीक है, कुसुम देता है, ठीक है, कुसुम फूल जो होता है कमल को कह सकते हो, ठीक है, विकसित होता है और एक नई सुबह एक नया सोच उत्पन्न करता है, ठीक है, ये यहाँ कहा जा रहा है। अगला लाइन देखिए, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती उन्हीं जीवन घाटिया की मैं सरस बरसात रे मन। इसका अर्थ तो बड़ी शानदार है, यहाँ ध्यान से समझिए कि इसका अर्थ क्या कह रहा है। मरु का मतलब मरुस्थल, ज्वाला का मतलब आग, धधकती माने जो आग धधकता है, चातकी एक पक्षी है, ठीक है, कन को तरसती यानी कन मतलब पानी को तरसती, कन मतलब पानी या तरसती, आप याद कर जिस तरह से एक जो चातकी है, चातकी एक पक्षी है, वो जलते हुए मरुस्थल के बीच में फंस जाती है और वो पानी के लिए तरसती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह इंसान की कभी कभी क्या होता है इंसान बीच में जाकर के बीच मझेदार में फंस जाता है, ठीक है, और वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है और वो नर्वस हो जाता है, इसीलिए इस पक्षी यानी कि ये चातकी का कंपेयर किससे किया गया, मानव से किया गया कि जिस तरह चारों तरफ से गर्म मरुस्थल है उसमें चातकी पानी के लिए तरसती है कि कहीं तो कोई पानी पिला दे, उस वक्त आपकी बीवी, ठीक है, उन्हीं जीवन की घाटियों की मैं सरस बरसात रमन, और मैं बरसात के रूप में उस जीवन को क्या करती हूँ नैया पार लगाती हूँ, ठीक है, बरसात के रूप में एक पुरुष के जीवन के नैया पार लगाती हूँ। तो आप खुद बताइए कि यहाँ वाइफ इज लाइफ है कि नहीं, आप चारों तरफ से टेंशन में आते हैं लेकिन जब आप घर में आते हैं, मतलब आप कहाँ से आएंगे, ठीक है, जिसकी शादी हो गई उसका बात कर रहे हैं, मतलब आप घर में आते हैं जिसकी शादी हो गई उस वक्त मतलब अपनी बीवी से बातें करके काफ़ी सुकून मिलता है, और जब आप प्रॉब्लम बताते हैं तो एक तरह से दिलासा जरूर देती है कि अच्छा कोई बात नहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस तरह का एक जो छोटा सा दिलासा दिया जाता है ना, एक छोटा सा विश्वास की बात किया जाता है ना, ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बरसात की तरह, एक बरसात आने के बाद क्या होगा चाती का प्यास बुझ जाएगा, यानी कि जब आपको टेंशन होगा और कोई सोल्यूशन ना देगा, ठीक है, तो आप क्या बताइए कोई हल निकाल के देगा तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा ना, उसी का बात यहाँ किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन। सुनो कहा जा रहा है विश्वास यहाँ पे, रे मन सुनो, मन मन क्या करता है, मन ही हमको क्या करता है आबाद करता है, सोचने पर मजबूर करता है, बर्बाद भी यही करता है, ठीक है, बोला रे मन सुन एक बात सुन पहले,
तो काहे लिए मेरे इस प्राणी को, मान लो मेरा जो भी अंदर मन है, मेरे को क्या कर रहा है, हमको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा दिमाग, हमारा मन ही तो हमको पॉजिटिव बनाता है और निगेटिव बनाता है। सोचने पर, गलत सोचने पर मजबूर करेगा, सही सोचने पर मजबूर करेगा। और उस वक्त एक अंदर से जब विश्वास जगता है ना, तो मन हमारा टूट जाता है कि अरे यार ये तो विश्वास इसका बहुत मजबूत है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हो जाता है। कहा जाता है कि रे मन सुन इधर बात, जब एक मानव का जीवन पवन की प्राचीर रूप में, यानी कि पवन के चार दीवारियों में फंस जाता है, ठीक है, जला जीवन जा रहा है और उसका जीवन जलता जा रहा है, ठीक है, फंसता जा रहा है, उसी में वो झुलसते जा रहा है, पूरा विश्व के समस्याओं में वो क्या होता रहा है, विश्व के वन में, ठीक है, झुलसते जा रहा है। उस वक्त मैं उस रात के, यहाँ समझिएगा ऋतु लिखा है ना, मैं उस सुनहरी रात की तरह हूँ, मैं उस वसंत की रात की तरह हूँ जो उसके जीवन को फिर से हरा भरा कर दूंगी। ठीक है, मैं वो विश्वास हूँ जो उसको, जब वो पूरा का पूरा टूट भी जाएगा ना, ठीक है, तो हम ऐसे विश्वास जगाएंगे कि उसका जीवन में फिर से हरियाली छा जाएगा। यानी कि मैं कुसुम ऋतु, यानी कि सुनहरा, वसंत ऋतु बहुत सुनहरा होता है, ठीक है, सुनहरा ऋतु को रात की तरह हूँ जो उसके जीवन में क्या कर दूंगी, फिर से रात मतलब उसके जीवन को हरा भरा कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, चीर निराशा निर्धर से, चीर का मतलब लंबे समय से, निर्धर का मतलब बादल, निराशा तो समझते ही आदमी निराश हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि लंबे समय से निराशा के बादलों से काहे नहीं उनका जिंदगी मतलब घिरा हुआ है, ढक जाए, ठीक है, छाया हुआ है आंसू सर में, यानी कि और वो आंसुओं के तालाब में चारों तरफ से अगर घिर क्यों नहीं जाए। ठीक है, कितना भी लंबे समय से निराशा का बादल घेर ले, आंसुओं के तालाब में और डूब क्यों नहीं जाए, उस वक्त मैं करुणा से भरे कमल के समान हूं। वही कमल, जिस तरह कमल पे चारों तरफ से भंवरा घेरा रहता है, मैं उस करुणा के कमल के समान हूं, जिस तरह कमल पे बहुत खूबसूरत कमल है ना, बहुत खूबसूरत किसी का लाइफ चल रहा है और चारों तरफ से कमल पे क्या करते हैं, भौरे मंडराते रहते हैं, लेकिन कमल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर तुम चारों तरफ से बहुत लंबे समय से निराशा के बादल से घिरे हुए हो, चारों तरफ से तुम आंसुओं के तालाब में डुबो दियो, फिर भी मैं उस कमल की तरह काम आऊंगी और हमको कोई असर नहीं पड़ेगा, और फिर भी मैं क्या करूंगी, विश्वास दूंगी और फिर से उनके अंदर मन में श्रद्धा जगाऊंगी। ये उस श्रद्धा की बात किया जा रहा है। श्रद्धा का मतलब समझ रहे हैं, श्रद्धा का मतलब विश्वास होता है। ये एक प्रकार का विश्वास को इसमें नायिका बना दिया गया। वो श्रद्धा एक प्रकार की वो हीरोइन है। ठीक है, जब आप पूरा का पूरा टूट जाते हैं, समझिएगा इस पूरा का अर्थ, एक चीज समझिए, जब आपको लाख दुख परेशानी होता है, अब आपको जीने का मन नहीं करता है, ऐसा बहुत ऐसा कंडीशन आ जाता है कि मन करता है भाई जीने से क्या फायदा, इधर मॉम डैड का डांट सुनो, उधर पड़ोस का डांट, ये सब होते रहता है ना। ठीक है, तो फिर भी मन में तुम एक चीज़ सोचते हो, अच्छा जाने दो, जब तक बोल रहा है लो, बोल रहा है लो, ठीक है, कभी तो अच्छा समय आएगा। और ये जो विश्वास थोड़ा सा अपने मन को दे रहे हो ना, वही आपका विश्वास श्रद्धा है। ठीक है, इसी श्रद्धा की बात किया जाता है कि इतना टेंशन आया, ठीक है, दुखों का बादल आया, लेकिन फिर भी आपके मन में एक पॉजिटिविटी आया, यानी कि एक सकारात्मक सोच आया, एक विश्वास आया, एक श्रद्धा जगी। ठीक है, एक विश्वास आया कि नहीं अंत में तो अच्छा होगा। ठीक है, और यही जयशंकर प्रसाद के साथ हुआ, इतना सब कुछ हो गया फिर भी एक कवि बने कि नहीं, एक मन में था कि कभी ना कभी कुछ श्रद्धा था, कभी ना कभी कुछ बन जाएंगे हम। ठीक है, एक विश्वास था, तो ये पूरा का पूरा लेसन यही कह रहा था। इस तरह से ये कुछ हद तक ये महाकाव्य खंड है। ठीक है, इसका कोई अलग दूसरा नहीं निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर दबाइएगा। ठीक है, लाइक से आपको पता चलता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बताना पड़ेगा। आप खुद बताइए कि ये जो तुनु कोलाहल कलह में, इसको किसने लिखा है आपको बताना है। अगर आप बता दे रहे हैं तो उनके जन्म को भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब कमेंट हम क्यों कर रहे हैं, कमेंट जब कीजिएगा ना आप, तो आपको याद भी हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं, कमेंट करते रहिए ताकि आपको याद भी हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।